तिवारीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 32 बोर रिवॉल्वर मैं जिंदा कारतूस और एक अदद तमंचा 12 बोर मैं कारतूस और एक सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बबलू पुत्र भोला निवासी बसंतपुर डोमखाना थाना राजघाट और बादल उर्फ राहुल पुत्र स्वर्गीय विनोद निवासी बसंतपुर डोमखाना थाना राजघाट के रूप में हुई है। पकड़े गए शातिर लुटेरों का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी तिवारीपुर सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम को शातिर लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अपाची मोटरसाइकिल, एक रिवॉल्वर मय कारतूस और एक तमंचा मय कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, शातिर लुटेरे दो पकड़े गए हैं, एक बबलू पुत्र भोला और बादल शुक्ला। ये दोनों शातिर किस्म के लुटेरे हैं। तिवारीपुर और राजघाट थाने से लूट के मामलों में जेल भी जा चुके हैं। इनका एक आपराधिक इतिहास है। बादल शुक्ला इसके पूर्व थाना कैंट द्वारा भी गिरफ्तार करके लूट के मामले में जेल जा चुका है और इनके पास से एक रिवाल्वर, एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये स्नैचिंग से लेकर के और बैंक से पैसा निकाल करके जाने वालों के पैसे लूट लेते हैं तमंचा दिखा करके, और इन्हें गिरफ्तार किया गया है सूरजकुंड तिराहे से कल शाम 8:30 बजे चेकिंग के दौरान। ये घटना के अंजाम देने की फिराक में थे और इन्हें दौड़ा करके पकड़ा गया है और जब तलाशी ली गई तो इनके पास शस्त्र मिले, इसलिए ये किसी न किसी घटना के अंजाम देने के फिराक में थे और पकड़ लिए गए। सर, ये यहीं पे ये घटना को अंजाम देते थे या अन्य जिलों में भी जाके इस कार्य को करते थे? देखिए, इनका तार क्षेत्र तो जनपद गोरखपुर ही है अभी तक जो प्रकाश में आया है, लेकिन ये कि कई लुटेरों से इनके बड़े मधुर संबंध हैं और उनके साथ मिलकर के काम करते हैं और जहाँ कहीं भी प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है।